और आपका नाम बताइए। मेरा नाम मदर शेख फारूक है। ये ऑटो में ऑटो के पीछे मेरे को मिला रात में। कहाँ पर मिला? मेरे को ऑटो में पीछे मिला रोटी बैंक के हमदा मस्जिद रिक्शा स्टैंड के पास। तो आप ये बैग कहाँ जमा कर रहे हैं? मैं रोटी बैंक यशुभ भाई के हाथ में दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें रिक्शे वालों को 100 बार सलाम करना चाहिए। जो पैसेंजर जो है तो रिक्शे के अंदर सामान भूल जाते हैं, और आप यकीन करेंगे इस बैग के अंदर जो है तो कुछ कैश है और कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स है। और हमारे मजहर भाई ने आज साबित कर दिया औरंगाबाद शहर के अंदर रिक्शे वाले जो है तो वाकई में उनके काम के हकदार है। उनके काम की हमने सराहना करनी चाहिए, तारीफ करना चाहिए, जिन्होंने आज हमें रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट को बैग जाके दिया है। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, ये बैग जिसका भी है अंदर जो जो सामान है वो बैग उन्हीं को मालूम है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो वो बैग का शनाख्त करिए और हम आपको बैग हैंड ओवर कर देंगे आपके। इसमें आपने अभी बताया कि बैग की शनाख्त करिए, तो शनाख्त के लिए क्या लगेगा? उस अंदर जो भी सामान है और जो बैग जिसका है उसने आके बताना चाहिए कि ये सामान हमारा है, इसके अंदर ये सामान है, ये डॉक्यूमेंट है और इतनी इतनी कैश है और इसके अंदर इतने सामान ये चीज़ें है। जैसा कि बैग इन्होंने आपको लाके जमा कराया, हाँ, अभी हम लोग ने जो है तो इन्होंने 4 जगह भाड़े मारे थे और हम चारों जगह जाके आए। अभी वो चारों लोगों से पूछे तो उनका कहना था कि बैग हमारा नहीं, हमको नहीं मालूम। इनको कब पता चला ये बैग मिला बोल के? इनको कल शाम में मालूम पड़ा कि बैग हमारी गाड़ी के अंदर रहेगा, वो मुसाफिर का करके गाड़ी लगा। इनका ऑटो नंबर क्या है? जिस ऑटो में जिसने बैग छोड़ा, हाँ, 25 नंबर क्या है? 25 02 NH20AA2502 गाड़ी नंबर है इनका। जिस गाड़ी में वो पर्स बैग भूल गए क्या? ये जिनकी गाड़ी में जो है रात में जो ऑटो पार्किंग लगाते हैं, तो ये पीछे जो बैग था तो इनको दिखा रात में। अब ये किस किस कस्टमर का इनको तो होगी नहीं शनाख्त। ये जो कस्टमर जो है तो हमें कोई भी उतरता कोई भी चढ़ता, और उसमें कोई आईडी प्रूफ नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। इस हिसाब से हमने रोटी बैंक के हवाले ये बैग करे, यूसुफ मुखाती साहब के पास हमने ये बैग दी है। अब जिस किसी का भी हो इसकी पहचान बताए और यूसुफ मुखाती साहब से आके कॉन्टेक्ट करें।